There के पी फैम, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज की वीडियो आने वाली है बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड, बिकॉज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कंपैरिजन बिटवीन दीज थ्री पैलेट जो कि है मार्स, स्विस ब्यूटी और इनसाइट का लिप पैलेट। क्योंकि ना तीनों ही मिलती जुलती प्राइस रेंज में आपको मिल जाते हैं, तो मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि हमें कौन सा लेना चाहिए। वीडियो के अंत तक जरूर देखना, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग। बेसिकली ये तीनों ये जो पैलेट है ना 200 टू 300 के बीच में आपको रेंज करते हुए मिल जाती है। कोई सेल आती है तो किसी का प्राइस ज्यादा हो जाता है, किसी का प्राइस कम हो जाता है, कोई 250 में मिल जाता है, कोई 200, कुछ 220, इस तरीके से आपको रेंज में मिलती रहती है डिपेंडिंग अपॉन क्या सेल चल रही है या किसी ब्रांड पे क्या ऑफर चल रहा है। मैं तीनों का ही जो लिंक है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से चेकआउट एक्जैक्ट प्राइस इस टाइम पे क्या चल रहा है वो आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ ऑल द पैलेट्स और उसमें आपको कितने कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पैलेट की, ये है स्विस ब्यूटी ऑन द मूव लिप पैलेट। जिस तरीके की रेड कलर की पैकिंग में आपको मिलता है एंड इसमें आपको मिल जाता है इन टोटल 9 कलर्स। यहाँ पे बैक पे आपको इसकी एक्सपायरी एंड एवरीथिंग मिल जाती है कि आप इसको 4 साल तक यूज कर सकते हो एंड इसमें और कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। मेरे पास जो यहाँ पे शेड है दैट इज न्यूड्स, इसमें आपको पिंक एंड मॉव्स भी मिल जाते हैं, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ न्यूड में इस तरीके के 9 कलर्स आपको रिसीव हो जाते हैं। नेक्स्ट है मार्स का लिप पैलेट, ये भी आपको 300-250 के बीच में मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस पैलेट की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे शेड है 02, इसमें 2 शेड्स और आते हैं, एक में कंप्लीटली न्यूड शेड्स है, एक में थोड़े कलरफुल सॉर्ट ऑफ शेड्स है। तो मैंने ना ये वाला बाय किया था, तो रीजन मीन क्योंकि इसमें मिक्स एंड मैच था, शेड्स का न्यूड्स भी है, पिंक, रेड एंड एवरीथिंग सब कुछ है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इन टोटल 16 शेड्स। गाइज कलर के मामले में यहाँ पे आपको बहुत अच्छे खासे कलर मिल जाते हैं एंड एक चीज जो बाकी लिप पैलेट में इजिली नहीं मिलती है वो है ये, जिसकी एक साइड पे आपको मिल जाता है ब्यूटीफुल सा लिप ब्रश एंड एक साइड पे इस तरीके का स्क्रेपर या स्पैचुला हम बोल सकते हैं। ठीक है, कलर ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी भी पीछे यूनो एक्सपायरी लिखी हुई है कि आप इसको 4 साल तक यूज कर सकते हो। देन वी हैव द इनसाइट पाउट पैलेट, इसमें आपको मिल जाता है 1, 2, 3, 4, 5 इन टोटल 10 शेड्स। इसमें भी आई थिंक सिर्फ एक कलर ऑप्शन और आता है, इसमें ज्यादा कलर ऑप्शंस नहीं है, ये और एक वो दूसरे वाला आता है। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे कि आपको 10 शेड्स मिल रहे हैं, यहाँ पे मिक्स एंड मैच कलर्स का, न्यूड्स है, थोड़े से डार्क एंड रेड्स एंड एवरीथिंग, उस तरीके के कलर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसकी आउटर जो इनर पैकेजिंग है उस पर कुछ एक्सपायरी वगैरह मेंशन नहीं कर रखी है, तो अगर आपने आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग फेंक दिया तो आपको वो चीज थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ सकती है। नाउ हमने ये देख लिया पैकिंग और कितने कलर्स आपको मिल जाते हैं। अब देखते हैं कि कलर ऑप्शंस किस तरीके के हैं। सबसे पहले अगर हम स्विस ब्यूटी के पैलेट की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें अलग अलग ना शेड्स आते हैं। जैसे आई शेडो का होता है ना, पिंक है तो उसमें सारे पिंक्स हैं, मॉव है तो उसमें सारे मॉव्स, येलो है तो सारे येलो। वैसे अगर ये न्यूड है ना तो इसमें सारे न्यूड शेड्स हैं। आप देखो कि इसमें बहुत सारे शेड्स ऐसे हैं जो सिमिलर है, जैसे अगर आप ये वाला शेड, ये वाला शेड और ये वाला, ये तीनों ही ना सेम कलर फैमिली के लग रहे हैं, इसमें से सिर्फ लाइक हल्का ऊपर नीचे का डिफरेंस है। देन ये वाला शेड एक्जैक्टली सिमिलर लग रहा है, ये वाला इसमें हल्का सा डिफरेंस लग रहा है एंड दिस वन एंड दिस वन। यूजुअली इसमें कलर सारे सिमिलर है, तो मुझे ना कलर ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं लगे इसमें कि लाइक अगर आपको न्यूड लगाने का मन है तो हर एक शेड अलग अलग दिख रहा है, किसी ड्रेस के साथ कुछ लगा लिया, किसी ड्रेस के साथ कुछ लगा लिया। दैट इज द ओनली थिंग आई फेल्ट इन दिस पर्टिकुलर पैलेट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इनसाइट के पैलेट की बात करूं, यहाँ पे भी ना कलर ऑप्शंस आपको उतने ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। लाइक इफ वी सी हियर, आपको ये 3 रेड फैमिली मिल रही है, देन ये 3 भी कुछ रेड मैरून मिक्स से मिल रहे हैं, 2 ब्राउन है एंड 3 न्यूड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आई विल से कि ठीक है 10 कलर्स आर लाइक मोर देन इनफ एक पैलेट के अंदर, बट स्टिल जो कलर ऑप्शंस में वैरायटी होनी चाहिए ना, यहाँ पे वो नहीं है कि हर कलर एक दूसरे से अलग दिख रहा है एंड हर किसी के एप्लीकेशन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रही है, वो चीज मुझे यहाँ पे नहीं लगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ मार्स के पैलेट की, लाइक लेट मी जस्ट रिमूव दिस ब्रश, लाइक ब्रश तो मिल रहा है, वो तो एक प्लस पॉइंट है ही है। ठीक है, लेकिन जस्ट टेक अ लुक हियर, यहाँ पे ना आपको रेड में 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, पिंक में 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं एंड ना क्लियर दिख रहा है कि भले वो 3 शेड्स पिंक हैं लेकिन तीनों ही पिंक शेड्स अलग है, वेराज बाकियों में इतना नहीं लग रहा था। अगर यहाँ पे ये 3 न्यूड शेड्स है ना, तो तीनों ही शेड्स आप देख रहे हो, ये प्रॉपर ब्राउन है, ये पिंक है एंड ये मॉव है। ठीक है, ये एकदम पीच शेड है, देन दिस इज डार्क पर्पल, दिस इज ये वाला शेड कितना चलता है वाइन कलर का। तो यहाँ पे ना कलर ऑप्शन देखकर आपको 16 मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली कलर वेरायटी तो अच्छी आपको मिलेगी एंड हर कलर जो है ना वो एक दूसरे से अलग दिखता है। अब हम करने वाले स्क्रेप टेस्ट। अगर इन तीनों ही पैलेट्स के लिप स्वॉचेस आपको पूरे कंप्लीट देखना ना, तीनों ही पे ना मैंने कंप्लीट वीडियोस बना रखी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ लेट्स डू सम स्क्रेप टेस्ट। एक मैं इसमें से उठाने वाली हूँ बिल्कुल न्यूड कलर, जो कि ये वाला कलर है, अ ब्यूटीफुल न्यूड, हम इसको यहाँ पे ले लेंगे ठीक है, लाइक दिस। एंड एक हम उठाने वाले हैं इसमें से बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर, जो कि मुझे ये वाला, ये कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस कलर को मैं थोड़ा सा ऐसे पिक करूंगी एंड आई विल टेक इट ऑन द बैक ऑफ माई हैंड जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये हो गए हमारे मार्स के पैलेट में से। अब हम पिक करेंगे स्विस ब्यूटी के पैलेट में से। स्विस ब्यूटी और इनसाइट में ना आपको ब्रश ऑप्शन लेना पड़ेगा। ये वैसे तो इसमें यहाँ पे बहुत सारे कलर ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहे, बट मैं एक यहाँ पे ये वाला कलर उठाने वाली हूँ। लेट्स जस्ट क्रेप इट हियर एंड एक मैं बिल्कुल न्यूड सा कोई कलर, आई थिंक ये वाला मैं बिल्कुल जो न्यूड कलर है ये वाला पिक करूंगी एंड आई विल पुट इट हियर लाइक दिस। नाउ वी हैव दी इनसाइट पैलेट। सबसे पहले एक पूरा न्यूड शेड उठाएंगे बिकॉज हम हर किसी में न्यूड शेड तो यू नो पिक कर ही रहे हैं। इसको भी मैं यहाँ पीछे से स्क्रैप कर लूंगी इस तरीके से। एंड एक मैं उठाने वाली हूँ यहाँ पे ये वाला कलर बिकॉज आई एम फाइंडिंग इट वेरी वेरी ब्यूटीफुल, सो स्क्रैप इट हियर। नाउ ये वाला जो हमारा पैलेट है, दिस इज दी इनसाइट पैलेट, देन ये वाला है हमारा मार्स एंड दिस इज आवर स्विस ब्यूटी। मैं इनको ना हल्का हल्का थोड़ा सा स्प्रेड कर देती हूँ ताकि आप कलर क्लियरली देख सको। ओके, सो दिस इज हाउ द कलर लुक्स लाइक। वन थिंग जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी है ना कि एप्लीकेशन तीनों की ही बहुत अच्छी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मार्स इसकी एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा स्मूथ और बहुत ही ज्यादा क्रीमी है। सेकेंड नंबर पे जो क्रीमी एप्लीकेशन आती है वो आती है स्विस ब्यूटी की। एंड ऑन अदर हैंड अगर मैं इनसाइट की बात करूँ, इनसाइट की अगर आपने यूजुअली लिपस्टिक्स भी ट्राई करी है ना, आपको ये चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि इनसाइट की एप्लीकेशन उतनी ज्यादा स्मूथ और उतनी ज्यादा क्रीमी नहीं रहती है। ऑल्दो दे गिव यू अ मैट फिनिश, बट उनकी एप्लीकेशन में हमेशा थोड़ी सी गड़बड़ रहती है। तो एप्लीकेशन के मामले में आई एम गोइंग टू गिव नंबर 2 मार्स पैलेट बिकॉज इसकी एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा क्रीमी और बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। अगर मैं यहाँ पे फिनिश की बात करूँ, ये तीनों ही इनसाइट वाले जो लिपस्टिक्स हैं ये आपको कम्प्लीटली मैट फिनिश प्रोवाइड करती हैं। स्विस ब्यूटी वाली भी कम्प्लीटली मैट फिनिश प्रोवाइड करती हैं। वेयर एज जो मार्स वाली है ना वो एकदम लगाते साथ ही मैट नहीं होती है, लेकिन जब आप उसको 5 to 10 नहीं बोलूंगी, 1 to 2 मिनट्स तक रहने देते हो ना, तो वो एकदम कम्प्लीटली मैट वाली आपको फिनिश दे देती है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा चला गया नंबर मार्स को, क्योंकि हमारा मार्स का एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। अब बात आती है स्टे और स्मज प्रूफ और कि वो ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा। इनसाइट की अगर बात की जाए, इनसाइट की लिपस्टिक्स आर स्मज प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ। गाइस एक चीज आपको हमेशा माइंड में रखनी पड़ती है, अनटिल एंड अनलेस इट्स अ लिक्विड लिपस्टिक, आपकी जो लिपस्टिक है वो स्मज प्रूफ और ट्रांसफर प्रूफ नहीं होने वाली है। बुलेट लिपस्टिक, क्रेयॉन्स, लिप लाइनर्स वो कभी भी स्मज प्रूफ और ट्रांसफर प्रूफ नहीं होते हैं। ठीक है, देयर इज दिस रीजन क्योंकि वो ना क्रीमी फॉर्मूला में होते हैं। क्रीमी फॉर्मूला की बहुत कम लिपस्टिक्स होती है जो आपको स्मज प्रूफ मिलती है, वरना वो चीज नहीं आती है। इनसाइट वाला जो लिप पैलेट है ना ये बहुत हद तक स्मज प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ है, लेकिन अगर गलती से आप इसको हल्का सा रब कर देते हो तो थोड़ा सा प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है। वेयर एज जो स्विस ब्यूटी और मार्स के पैलेट है, दे आर नॉट कम्प्लीटली स्मज प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ। लाइक अगर आपको गलती से हाथ वाथ टच हो जाता है तो वो थोड़े बहुत ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इसमें हमें एक नंबर इनसाइट को देना पड़ेगा। लेकिन समर में हमें एक ऐसे लिपस्टिक्स चाहिए होती है जो हमारे लिप्स को ड्राई आउट बहुत ज्यादा ना करें, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट और लिप्स के ऊपर कंफर्टेबल हो, तो इनसाइट वो चीज नहीं करती है। इनसाइट की लिपस्टिक्स एक्चुअली आपको फील होती है आपके लिप्स के ऊपर। एंड स्विस ब्यूटी में यार इतने कलर ऑप्शन ही नहीं है कि हम उनको लगा पाए, तो आई एम definitely going to recommend the Mars palette to you guys. So guys, अगर इन तीनों में से मुझे एक पैलेट आप लोगों को रेकमेंड करना हो तो मैं डेफिनेटली मार्स का पैलेट करूंगी फर्स्ट अप। तो इस प्राइस रेंज में भले ही ये बाकी दो पैलेट से थोड़ा सा 20, 30, 40 रुपीज कॉस्टली है, लेकिन यहाँ पे आपको 16 कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको और भी शेड्स मिल जाते हैं, अगर आपको वो बाय करना है वो कर सकते हो। एक पैलेट में आपको 3 से 4-5 न्यू शेड्स मिल रहे हैं, रेड, पिंक, पर्पल, मॉव, हर तरीके का आपको यहाँ पे कलर मिल जाता है। एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा क्रीमी और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट लिपस्टिक्स हैं। ठीक है, कलर वैरायटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, एकदम मैट फिनिश आपको दे देते हैं, हल्के से स्मज और ट्रांसफर होते हैं, बट आई थिंक दैट्स ओके बिकॉज समर में ना एकदम चिपकी वाली लिपस्टिक्स यार किसी को नहीं चाहिए होती है। हमें चाहिए होती है कि भले ट्रांसफर हो जाए वो चलेगा, लेकिन एकदम लाइट वेट होनी चाहिए, क्योंकि समर्स में हैवी मैट और बिल्कुल जो लिक्विड थिक लिक्विड लिपस्टिक्स होती है ना वो हमसे नहीं लगा जाती है। तो अगर आप लोगों बाय करना तो आई विल हाईली रिकमेंड, अगर आपको लिपस्टिक्स बहुत ज्यादा पसंद है एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन अ लॉट ऑफ लिपस्टिक, सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस थिंग। एंड या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू डू प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।